फ्लाइंग अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान PAF के हवाई हमले के खिलाफ श्रीनगर एयरबेस के अपने एकमात्र बचाव की मान्यता में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भारत की सर्वोच्च सैन्य सजावट से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1943 में लुधियाना पंजाब के रुड़का गांव में हुआ था। अपने विवाह के कुछ ही महीने बाद निर्मलजीत सिंह ने खुद को देश को समर्पित कर दिया। 14 दिसंबर 1971 को जब 6 पाकिस्तानी सैबर जेट विमानों द्वारा श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया गया, तब ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ वहां तैनात थे। दुश्मन के F-86 सैबर जेट विमानों का बहादुरी के साथ सामना करते हुए उन्होंने 2 सैबर जेट विमानों को ध्वस्त किया। वो लगातार दुश्मन के पीछे लगे रहे और उनके छक्के छुड़ाते रहे। दूसरे सैबर जेट के ध्वस्त होने के धमाके के बाद सेखों ने अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुम्मन सिंह को संदेश भेजा कि शायद मेरा विमान भी अब निशाने पर आ गया है, घुम्मन अब तुम तुरंत मोर्चा संभालो। इस संदेश को देने के बाद वे शहीद हो गए। 14 दिसंबर 1971 को वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर में सेवारत थे। पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों से कश्मीर घाटी की रक्षा का दायित्व सेखों और उनके साथियों के कंधों पर था। अचानक समाचार आया कि 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सैबर विमान भारत सीमा को पार कर चुके हैं। इससे पहले कि भारतीय वायु रक्षा पंक्ति सक्रिय हो पाती, पाकिस्तानी विमान सर पर आ चुके थे। किसी तरह सेखों के एक वरिष्ठ संगी अपना विमान हवाई पट्टी से उड़ा ही पाए थे कि दुश्मन के विमानों से हवाई पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी गई। सेखों ने फिर भी दुश्मन से लोहा लेने का मन बना लिया और अपने विमान को उड़ाने के प्रयास में लग गए। उनके अगल बगल गिरते बम और क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी एक बड़ी कठिनाई बन चुकी थी। सबको चकित करते हुए किसी प्रकार उनका नेट विमान हवा में आया। अब सेखों के सम्मुख चुनौती का आकलन कीजिए दोस्तों, दुश्मन के 6 विमानों के सामने वो अकेले थे। दुश्मन के विमान विख्यात सेबर थे जो विस्तार और हमले की क्षमता से गणत विमान से कहीं बेहतर थे। हवाई पट्टी क्षतिग्रस्त होने के कारण अतिरिक्त सहायता की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी, परंतु अगर सेखों दुश्मनों के रास्ते से हट जाते तो दुश्मन को अपनी मनमानी करने से कोई रोक नहीं सकता था। सेखों ने वही किया जो उन्हें इतिहास में अबर बना देता है। उन्होंने दुश्मन को ललकारा और बिजली की तरह उन पर टूट पड़े। दुश्मन का एक विमान अग्नि को समर्पित कर दिया और दूसरे विमान पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरे विमान के पीछे उड़ते हुए सेखों ने उस पर निशाना साधा। पाकिस्तानी लड़ाके इस अनपेक्षित आक्रमण से अवाक थे। सेखों ने हवा में आकर जिस 2 सैबर जेट विमानों का सामना किया था, उसमें से एक जहाज वही था जिसने एयरफील्ड पर बम गिराया था। बम गिरने के बाद एयरफील्ड से कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल का संपर्क सेखों तथा घुम्मन से टूट गया था। सारी एयरफील्ड धुएं और धूल से भर गई थी जो उस बम विस्फोट का परिणाम थी। इस सबके कारण दूर तक देख पाना कठिन था। तभी फ्लाइट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर पठानिया को नजर आया कि कोई 2 हवाई जहाज मुठभेड़ की तैयारी में है। निर्मलजीत सिंह सेखों को उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है और पंजाब के कई शहरों में उनकी प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। 1985 में निर्मित एक समुद्री टैंकर को फ्लाइंग अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखों PVC नामित किया गया था। लोकप्रिय संस्कृति में विरासत और चित्रण निर्मलजीत सिंह सेखों की श्रद्धांजलि में एक प्रतिमा को लुधियाना जिला अदालत में ध्वज पोल के बगल में आंगन में खड़ा किया गया था। एक डिप्टीशियन फॉलन JNT सेनानी स्मारक का हिस्सा है और एक द्वार संरक्षक के रूप में कार्य करता है। एक मशहूर फॉलन गणत सेनानी के साथ उनकी मूर्ति भारतीय वायुसेना संग्रहालय पालम में रखी गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।